मौसम देखो तुम एक बार, चारों तरफ कोहरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है और जैसे कि पापा घर पर नहीं है तो मैं मंदिर आया हुआ था, और मौसम देखो तुम एक बार, इतना खतरनाक हो रखा आज, मतलब चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। देखो ये देखो इधर उधर, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम ऐसा हो रखा है, चारों तरफ कोहरा, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास। आसपास को थोड़ा बहुत दिख भी रहा है पर दूर दूर कुछ नहीं दिख रहा, कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है। फिर आज तो हल्की फुल्की ठंड भी लग रही है, मतलब वैसे ठंडियों का मौसम आना शुरू हो गया ना धीरे धीरे, तो उसकी वजह से हल्की फुल्की ठंड लग रही है और सुबह सुबह ही लगती है। और वैसे भी आज तो मौसम अजीब सा ही हो रखा है, ख़राब हो रखा है मतलब, तो उसकी वजह से और ठंड लग रही है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत लग रही है। और फटाफट मंदिर में चलते हैं क्योंकि अभी मेरे को घर जाके फिर बैजरो जाना, आज बैजरो जाऊँगा, कुछ काम है वहाँ पर तो फटाफट जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो गाड़ियों का भरोसा नहीं होता ना, जाए ना जाए तो क्या पता पैदल ही जाऊँ, और ऐसा लग तो ऐसे रहेगी पैदल जाऊंगा, तो उसकी वजह से जल्दी जाना पड़ेगा मेरे को ताकि जल्दी आ सकूं। हैं? मेरा जरा वीडियो बना रही यार। हाँ क्या वीडियो बनाना था? बता। बना चलो डाल अच्छी। तो अभी घर पे पहुंच गया था मैं और अभी बैजरों के लिए निकल गया हूँ, और आयशी भी मिल गई मेरे को, आयशी और उसकी दादी जा रहे हैं। तो अभी तो हम पैदल ही जा रहे हैं, अभी गाड़ी आने वाली है शायद या नहीं भी आएगी कोई पता नहीं, फिलहाल तो हम पैदल ही लगे हुए, आ जाएगी तो अच्छा ही है। बाकी आयुषी भी जा रही है, आज किला जाने चाहिए तो है मेरा दिल बाल की मैं अच्छा है जो मामा का बाल नहीं। आयुषी भी आ रही है आज तो टाइम पास भी हो जाएगा मेरा, अगर पैदल जाएंगे तो। वैसे तो गाड़ी मिल जाएगी, पैदल चल चल तू बैठ रहा तक पैदल बैठ रहा तक चल चल मैं ट्रेन के चढ़ तो चल ही जाएगी वो तो, है ना, चल जाना। तो अभी चलते हैं, फिलहाल अभी तो पैदल पैदल जा रहे हैं, टाइम हो रहा है अभी 8:30 हो गया टाइम, तो अगर गाड़ी मिलती है तो अच्छा ही है। हाँ, तो फिलहाल मैं बैजो से आ गया, सारा सामान सामान भी लेके आ गया था, सब कुछ हो गया था वहाँ पर काम, और कुछ खास था भी नहीं, धूप लगी हुई थी खतरनाक, तो वहाँ पर वीडियो वगैरह भी कुछ नहीं बनाई, मैं सीधा आ गया। मेरे को ये अरविंद और मुकेश मिल गए मेरे को, ये दोनों भी आ रहे थे, ये सुबह तो मिले नहीं मेरे को, गाड़ी में आ रहे थे, मैं तो पैदल गया था। तो अभी अरे मैम पैदल पैदल आ रहे हैं, बाकी घर पहुँचने वाले हैं, अभी यहाँ पे पहुँचे हमें खाड़ा रोड चौखाल के नीचे, यहाँ तक गाड़ी में आए चौखाल में, यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं। अरविंद तिल करना बजाना फॉर्म है, वरना अरविंद के रास्ते, अरविंद के लिए ये भी था एक रास्ता रोड बाई रोड, पर इधर से ही आ रहा है, तो इधर चलेंगे फिर वहाँ से सब अलग अलग। अभी फिलहाल बारिश लग गई यहाँ पे, छाता वगैरह किसी के पास नहीं था हमारे पास, तो इन्हों भीगते हुए आ रहे हैं, और अभी देखते हैं बारिश, अभी तो फिलहाल कम कम ही लगी, अगर तेज आएगी तो फिर भीग जाएंगे आराम से, और चली जाएगी तो फिर अच्छा है। कैमरे में पानी लग रहा है आप, ठीक है देखो, और टाइम हो गया लगभग 2:30 बज गए, और अभी तक हम बैजर से घर ही जा रहे हैं, अभी तक पसोली के पास पहुँचे हुए चलते, अभी फिलहाल बारिश लग गई भीगी ना बस। तो अभी फिलहाल मैं घर पे पहुँच चुका हूँ, और अभी अभी बैजर से आज चाय वाय पी, और सीधा देखो क्या काम मिल गया मेरे को, ये देखो आता ही मतलब यहाँ पे दही करनी पड़ी है मेरे को, एक हाथ की दही सुखाने के लिए डाल रखा था, और ताई जी इनके घर में कर रहे हैं झुंगर है, सॉरी झुंगर ये इसकी दही कर रहे हैं, और अभी अभी मैं गाय छोड़ के भी आ रहा हूँ, हमारे घर में जगह नहीं है ना, वहाँ पे बहुत सारा सामान वगैरह रखा है काफ़ी चीज़ें, तो ताई जी उनके घर में ला रखा हमने, ये जो कोटा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी कूट रहे हैं यहाँ पे। तो अभी दही वगैरह तो सब कुछ कर दिया हमने, बाकी दादी भी आ गई यहाँ पे, दादी इसको वो कर दिए, बता रही है मतलब जितना भी इसमें धूल वगैरह जो भी होगा सब कुछ उधर के उड़ के चला जाएगा, उसके बाद मम्मी देखो इसको ले जा रही है, जो उसमें ये होगा ना, मतलब ये दाने होंगे और ये जो घास वास होगा अलग अलग हो जाएगा, ऐसे इसमें रख के फिर छानेंगे, फिर दाने दाने देखो नीचे आ जाएंगे, बाकी कूड़ा वूड़ा इसमें रह जाएगा, सारा मुझ पर ही आ रहा है, दादी यहाँ से कर रही है। अभी दही वगैरह तो हो चुकी है, और देखो लाइट भी चली गई बोलती, ये पंखा लगा रखा था ना ताई जी उनका, क्योंकि अब हवा ही नहीं आ रही थी, कम आ रही थी, क्योंकि टाइम भी हो गया ज़्यादा, अभी तक तो मस्त हवा आ रही थी यहाँ पे हमारे घर के हिसाब से तो बहुत मस्त थी, लेकिन पंखा चल लगा रखा था क्योंकि अब बंद हो गई थी,
लेकिन अब पंखा ही बंद हो गया। बाकी दही वगैरह सब कुछ हो चुके और इसको मटेल मुटेल के फिर दोबारा ऐसे वो करेंगे, मतलब इसका भूख वगैरह सब कुछ निकालेंगे। हाँ, और अब लाइट भी चले गई तो पंखा भी संभालते हैं, टाइम भी हो गया तो सब कुछ लेके चलते हैं ऊपर। तो अभी सारा काम हो गया, थोड़ा सा बचाओ मम्मी वो कर रहे हैं वहाँ पे, और बाकी मेरे को मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा था इसलिए मैं तो आ गया, और साथ में ये भी ला रहा हूँ। इसमें जो भी कूड़ा वगैरह था ना, मतलब जो भी कूट काट के जो भी बचा हुआ है वो लेके आ रहा हूँ। इसको रखना है छन्नी में, पता नहीं क्या काम आएगा, फिर आग जलाने का काम आएगा या पता नहीं क्या काम आएगा, तो इसको छन्नी में रख के फिर जाऊँगा सीधा मंदिर। और अब तो असूज का महीना शुरू हो गया तो सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल काम ही काम होता है, तो व्लॉग बनाने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी, फिर भी देखते हैं। मतलब ऐसा लगा लो तो शुरू हो गया काम, अभी वो चल रहा है, अभी ये कुटाई वगैरह चल रही है, उसके बाद घास वास सारना खुम लगाना बहुत काम है। ये देखो पूरा गंदा हो गया। तो अभी तो फिलहाल मंदिर चलते हैं, टाइम भी हो गया 6 बज गए, तो फटाफट जाना पड़ेगा। तो मैं घर पे पहुंच चुका, हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो चुका और मैंने तो एक नींद पूरी भी कर ली, और ख़तरनाक नींद आ रही है क्योंकि दिन में भी नहीं सोया ना, आज आते ही सीधे दही करने चले गए थे, तो अभी भी नींद आ रही है काफ़ी। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, में मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।